तो एक सुहाने दिन की बात है, मैं हमेशा की तरह YouTube पे हाउ टू डाउनलोड पेटीएम मॉड एपी के सर्च कर रहा होता हूँ और तभी मुझे एक वीडियो दिखती है। ये बंदे कार के ऊपर एक शिप का कंटेनर गिरा रहे हैं। फिर ये देखने के बाद मैं सोचता हूँ यार, ये चीज तो अब मैं भी करूंगा। तो हाँ, तुम लोग सही समझो, आज वाले वीडियो में अपन कार्स के ऊपर एक शिप का कंटेनर गिराने वाले। वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है। और क्या तुम लोग ये बात जानते हो, शिप का कंटेनर 4000 किलो का होता है। तो भाई मजा आने वाला है। और हाँ, ये नया व्हील है, अगर इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो यहाँ पे जाके देख लो, सब्सक्राइब कर लिया ना, तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस पूरे चैलेंज में हमारा साथ देगा हमारा अपना पप्पू भाई। और भाई एक लाइक पप्पू भाई के लिए जरूर करना, क्योंकि अपने लिए कितना सेक्रीफाइस करता है ये बंदा। चैलेंज की शुरुआत करते हैं होंडा सिटी के साथ। और मैं बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड हो रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या हमारे पप्पू भाई की जान होंडा सिटी बचा पाएगी। सो देखते हैं गाइस। बाय द वे, मैंने स्लो मोशन कर दिया ताकि आराम से आप लोग भी देख पाओ। ओए भाई, मर गया वो, लिटरली मर गया, बिल्कुल भी नहीं ले पाई गाड़ी इस डैमेज को। लाइक सीरियसली, वो दब गया प्रॉपर अंदर। राम नाम सत्य है। ओके, अच्छा एक टेस्ट और मैं गाड़ी चला के भी देखूंगा कि गाड़ी सरवाइव कर पाई है कि नहीं। देखो गाड़ी ने सरवाइव कर लिया है, तुम लोगों की आंख के सामने गाड़ी मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इंजन भी मस्त काम कर रहा है, सस्पेंशन स्टेयरिंग, गाड़ी तो सरवाइव कर गई। लेकिन जो हमारा दोस्त है पप्पू, वो सीधा अब बारी हमारे इंडिया में भौकाल मचाने वाली गाड़ी की, फॉर्च्यूनर। और भाई इस बार जो हमारा दोस्त है ना पप्पू, वो खुद एकदम डरा सहमा सा कोने में बैठा हुआ है। तो क्या फॉर्च्यूनर जान बचा पाई, लेट्स गो, तो पता चलेगा भाई। मैंने स्लो मोशन कर दिया है अपना कंटेनर। ओहो, फॉर्च्यूनर की चटनी बनती हुई दिखी है मुझे अभी, लिटरली चटनी। और मुझे नहीं लगता वो बचा है, क्योंकि उसके सर में ऐसे से पड़ा होगा ये, लिटरली उसका जो गर्दन की हड्डी होती है पूरी टूट गई होगी भाई। ओके, अभी मैं गाड़ी चला के देखता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है गाड़ी सरवाइव कर गई होगी यार। ऑफ कोर्स गाइस, ये गाड़ी भी सरवाइव कर गई है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, इंजन स्टीयरिंग हर चीज मस्त काम कर रही है। सेम चीज हुई है गाड़ी, बच गई, बंदा मर गया। सच बताऊं ना, मुझे एक ऐसी गाड़ी की तलाश है जो गाड़ी भले ही टूट जाए लेकिन बंदे की जान बच जाना चाहिए। ओके, लाखों की गाड़ी से नहीं हो रहा था तो अपन लेके आ चुके हैं बुगाटी चिरोन। तो भाई क्या ये करोड़ों की गाड़ी उसकी जान बचा पाएगी, देखते हैं भाई, लेट्स गो। मैंने कर दिया स्लो मोशन, अपना कंटेनर आ चुका है और उसकी गर्दन ऑलरेडी बाहर है थोड़ी सी। ओहो, बट भाई जेन्युइनली उतना क्रेजी इंपैक्ट नहीं है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, वो बंदा मुझे सही हालत में दिख रहा है। गाड़ी चल रही है, ऑफ कोर्स गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी में, इंजन थोड़ा सा डैमेज हुआ बट ओवरऑल गाड़ी चल रही है, एकदम मक्खन तरीके से चल रही है, एज यू कैन सी। मुझे लग रहा है फाइनली बुगाटी ने पप्पू की जान बचा ली। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना, मेरे हिसाब से बुगाटी इस चैलेंज में पास होती है। अरे सुनो सुनो सुनो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर दो यार। होंडा का कचूवर बनाने के बाद अपन आ गए ह्युंडई के पास। और भाई ह्युंडई i20 लगी हुई है इस बार लाइन पे, तो देखते हैं भाई i20, लेट्स गो। ओ भाई, कंटेनर फुल स्पीड में और पिचका दिया लिटरली i20 को। तो भाई ओ मां कसम भाई, उचक तक गई गाड़ी, सीरियसली। मुझे यहीं से दिख रहा है उसकी गर्दन टूट चुकी है भाई। और मैं गाड़ी चला के देख लेता हूं, ऑफ कोर्स निकल रही है, निकल रही। ओहो, नाइस 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 भाई, कंटेनर को उठा के चल रही है, नाइस भाई। हुंडई मानना पड़ेगा बे, टॉर्क तो है भाई इंजन में, पूरे कंटेनर का वेट लेके बढ़ रही है गाड़ी आगे। ओहो, बटक अटक गई अब ना भाई, इसके आगे नहीं हो पाएगा। इसका हाल तो मेरे हिसाब से ना होंडा से भी ज्यादा बुरा हुआ है। अब जब हुंडई की तोड़फोड़ चल ही रही है तो क्यों ना क्रेटा को भी लपेट लेते हैं भाई। चल भाई क्रेटा, दिखा दे कितना दम है तुझ में। बाय द वे, पुरानी वाली क्रेटा है जिसको ऐसा बोलते हैं कि ये ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आती थी, तो देखते हैं कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो सकती है। कंटेनर तो इस बार और गुस्से में आया ऐसा लग रहा है। ओ ना ना ना, गाड़ी ने स्टार्टिंग में जब कंटेनर हिट किया ना तो मुझे लगा सरवाइव कर लेगी, बट भाई जो इंपैक्ट आया इसकी रूफ देख रहे हो तुम लोग, पूरी रूफ पिचक चुकी है गाड़ी की। वैसे चलेगी मेरे हिसाब से, ऑफ कोर्स यार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ह्युंडई के साथ पता है क्या हो रहा है, इंजन तो सरवाइव कर रहा है लेकिन जो पैसेंजर है ना वो सरवाइव नहीं कर रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नॉर्मल कार तो बहुत हो गई, क्यों ना अब एक सुपर फास्ट गाड़ी ट्राई करते हैं, सुप्रा। आई नो ये वाली जो कार है वो इस वाले चैलेंज के लिए नहीं बनी है, बट क्यों ना यार, मजा आएगा ना, चलो देखते हैं भाई सुप्रा। ओहो भाई गलत जगह गिर रहा है, कंटेनर ही गलत जगह गिर रहा है भाई सुप्रा के लिए तो। ओहो मैंने कंटेनर ना गलत जगह रख दिया धोखे से। चलो मजाक बहुत हो गया, सुप्रा का भी एकदम अच्छे से अपन टेस्ट करेंगे बिना किसी दिक्कत। ओहो गई, खत्म 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 सुप्रा, खत्म, लिटरली खत्म भाई।
चलेगी, ऑफ कोर्स चलेगी इंजन में, वापस से कोई दिक्कत नहीं, बट बंदे की जान क्यों नहीं बचा पा रही है। गाड़ियां देख रहे हो बेचारे की हालत, देखो तुम लोग। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। चलो इसी बारे तुम लोगों को सुप्रा की आवाज सुनाता हूँ, अपने अपने हेडफोन का वॉल्यूम फुल कर लो और बस इसको एंजॉय करो। प्रैंक हो गया आपके साथ। अब वो गाड़ी है जिसके बिल्ड क्वालिटी के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और भाई इसके अंदर हमारे पप्पू कहाँ चला गया भाई, इसके अंदर तो पप्पू ने भी बैठने से मना कर दिया भाई कि मैं नहीं बैठूंगा इसके अंदर, गुड बाय गया। क्योंकि इसका क्या हाल होने वाला है तुम सबको पता, बट स्टिल अपन चेक करेंगे एंड लेट्स गो भाई, देखते हैं। ओहो भाई ये सबसे ज्यादा पिचकी है अभी तक, लाइक सीरियसली हवा में उड़ गई है गाड़ी, देख रहे हो तुम लोग कितनी हल्की है ये। ओहो ओके, ये क्या हुआ है भाई, ये पिचक के ना वापस से ऐसी दबी और फिर ऊपर उठ गई, तो इसकी जो चेसी है ना जो तुमको ऊपर मुड़ी हुई दिख रही है, पिचक के ऐसे ऊपर उचकी है, देख रहे हो, चला के देखो। ओके चल रही है भाई, ओहो हो नाइस शिफ्ट भाई, नाइस। वैसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि चलेगी, बट इंजन तो जेन्युइनली अच्छा है भाई। अभी तक सिर्फ बुगाटी चैलेंज को कर पाई, लेकिन बुगाटी के बाद मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है इसी गाड़ी से है, लैंड रोवर डिफेंडर। अपना पप्पू भाई इस बार थोड़ा डरे सहमे बैठे हैं, बट शायद उनकी जान बच सकती है, लेट्स गो गाइस, देखते हैं भाई। ओके कंटेनर फुल स्पीड में आ रहा है, ओहो भाई शीशे सारे टूट गए, बट जो इम्पैक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं आया है, लाइक तुम लोग देख सकते हो सीरियसली सनरूफ वगैरह सब चीज टूट चुकी है, बट गाड़ी ने अच्छा खासा इम्पैक्ट झेला है और ऑफ कोर्स गाड़ी चल भी है भाई। ये होती है एक दमदार ऑफ रोड वाली गाड़ी जो कि लिटरली इतने भारी कंटेनर को अपने सर पे गिराने के बाद भी ड्रिफ्ट मारती भी चल रही है, आए हाय भाई। गाड़ी हो तो डिफेंडर जैसी हो, वरना ना हो अलग बात है, मेरे घर खुद किया सोनेट है। एक और सुपर कार लेके आ चुके हैं पोर्शे, और ये क्या लग रही है यार, मतलब सीरियसली इसके जो कर्व्स है ना वो बहुत प्यारे लगते हैं, लेट्स गो देखते हैं। बट कंटेनर को क्या ये गाड़ी झेल पाएगी, उम्मीद तो बहुत कम है मुझे। ऑलमोस्ट वो बंदा जिंदा है मेरे हिसाब से, नॉट ऑलमोस्ट मतलब मे बी प्रोबेबली वो बंदा जिंदा है, क्या लगता है तुम लोगों को। देखो यहां से जिस एंगल से मैं देख पा रहा हूं ना, तो इस गाड़ी की जो रूफ है वो पूरी बेंड नहीं हुई है, इसका मतलब ये बंदा जिंदा है। पप्पू भाई गाड़ी को पीछे निकालो, ओहो हो यस गाइस पप्पू भाई की जान बच गई। और अब इंजन देख लेते हैं गाड़ी का, ऑफकोर्स इंजन चालू है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, फुल भाग रही है गाड़ी अभी भी, लेट्स गो। मैं जाता हूँ एक राउंड मार के आता हूँ हाईवे का। मैं अंधा हूं या तो ये रोड खराब है। जितने भी F1 फैंस हैं मैं तुम सबसे अभी माफी मांग रहा हूं, क्योंकि मैं उस कंटेनर को लिटरली इस F1 पे गिराने वाला हूं। आई नो ये बहुत बुरा आइडिया है, बट व्हाई नॉट यार, मजा आए। हो भाई मैं स्लो मोशन ही करना भूल गया, बट गाड़ी की हालत लाइक सीरियसली ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ है गाड़ी को, विंग वगैरह बस डैमेज हुआ है, बट गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। ओके इंजन ब्रोकन गाइस, हमें फाइनली ऐसी गाड़ी मिल गई जिसने गाड़ी का इंजन खराब होने दिया, बट पैसेंजर को कुछ नहीं हुआ, तुम लोग देख सकते हो बस चिल कर रहा है बंदा अंदर। फॉर फन हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर ट्रक क्या इस कंटेनर के वेट को झेल पाता है, लेट्स गो। आई नो ये बहुत ही क्रेजी आइडिया है, बट F1 से ज्यादा क्रेजी आइडिया नहीं हो सकता, देखते हैं भाई। फुल स्पीड में आ रहा है अपना कंटेनर, मैं स्लो मोशन कर रहा था, मुझे ना हंसी आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ जेन्युइनली। हुई 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 बॉयज सॉ, इसके सस्पेंशन देखो तुम लोग, यार ये होती है गाड़ी, तुम देख रहे हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा सीरियसली भाई, पूरा जो वेट था ना इसके सस्पेंशन पे आ गया। ओए टायर फट गया इसका, बट कोई बात नहीं गाइस, एक टायर फटने से कुछ नहीं होता, गाड़ी अभी भी चल रही है क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक है, लेट्स गो। एक टायर निकल चुका है उसका, ओ भाई टायर कैसे निकलते जा रहे हैं इसके। अब लास्ट में साइबर ट्रक, इसको मैं खुद जेन्युइनली ट्राई करना चाहता था, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर सुना है कि साइबर ट्रक एक छोटी पिस्टल की गोली को तक रोक सकता है, तो भाई गोली को रोक सकता है तो कंटेनर को रोक पाएगा। हम तो एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट करते हैं भाई, चलो देखते हैं भाई। ओहो जेन्युइनली भाई हेलो, अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भाई, इसने कंटेनर को उचका दिया बट ट्रक को कुछ नहीं हुआ भाई, ये क्या बना दिया इलोन मस्क ने यार, तुम लोग देख रहे हो कुछ नहीं हुआ, इसका सामने के बम्पर का एक पार्ट बस टूट के गिरा है, सीरियसली यार क्या क्रेजी ट्रक है भाई ये। ओ हो यार ये क्या चीज है भाई,
आई कांट बिलीव इसने सबसे क्रेजी परफॉर्म किया है भाई। सच बताऊं ना, मुझे बहुत मजा आया इस वीडियो में। आई होप तुम लोगों को भी आया होगा। अगर आया तो वीडियो को अभी के अभी जाके यार लाइक मार दो। जितना तुम लोग लाइक मारोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो भी कर लेना। मैं मिलूंगा कल एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई एम एफ के मैम साइनिंग आउट।